कल अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा, उससे पहले राजधानी पटना की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह राजधानी पटना को सजाया गया है, संवारा गया है। राजधानी पटना के एक पार्क की ये तस्वीर है जहां पे दिवाली मनाई जा रही है और फूलों के रंगोली से जय सियाराम लिखा गया है, यानी कि राजधानी पटना के लोगों में काफ़ी खुशी है। और इसका आयोजन यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं वार्ड 38 के, उनके द्वारा किया गया है। सर, इस पार्क को फूलों से सजाया गया है, दिवाली मनाई जा रही है, कितनी खुशी मिल रही है? निश्चित रूप से 500 वर्षों के बाद हम लोगों के देव प्रभु श्री राम जी का कल जो है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। एक लंबा संघर्ष रहा है, आज उसी के खुशी में हमारे इलाके के जितने लोग हैं, भाई हो, बहन हो, हमारी माताएं हो, सब लोगों ने मिल कर करके यहाँ दीपोत्सव का आयोजन किया है। कितने दीपों को जलाया है आप लोगों ने? यहाँ 2100 से अधिक दीपों को आज हम लोगों ने जलाने का काम किया है और आप देख रहे होंगे एक शानदार नज़ारा और बड़े ही शांतिपूर्ण और भक्तिमय वातावरण में यह आयोजन हुआ है। अयोध्या से लेके पटना तक फिजाओं में सिर्फ राम नाम की गूंज है, राममय हो गया है पूरा फिजा। पटना में भी काफ़ी खुशी देखी जा रही है लोगों में। सर, 500 वर्ष के बाद श्री राम का घर वापसी हो रहा है, इससे बड़ा क्या खुशी होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। तो निश्चित तौर पे लोगों में काफ़ी खुशी है। कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं, क्या कहेंगे? आज दिवाली मनाई जा रही है, तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग के राम श्री प्रभु का जो दीप उत्सव हुआ है उसमें हम लोग का योगदान रहा और हम लोग के सहयोग और सभी लोग का खुशी हुआ है। कल का क्या कार्यक्रम है? कल का कल तो सब सारे लोग अपने अपने घर में दीप जलाएंगे। अच्छा, इसलिए ये तय किया गया कि प्राण प्रतिष्ठा के पहले दिन हम लोग अपने सारे लोग मिल के खुशी मनाएं। काफ़ी अलौकिक तस्वीर यहाँ की दिख रही है, अजब सा नज़ारा दिख रहा है, भक्तिमय है वातावरण, क्या कहेंगे? ये तो हमारे वार्ड काउंसिलर आशीष कुमार सिन्हा का एक योजना थी और इस योजना में हम लोग सारे लोग सम्मिलित हुए, सारे यहाँ के नागरिक खुश हैं, सारे लोग आए थे, सारे लोग अपने भक्ति से श्रद्धा से जहाँ जाए श्री राम लिखा हुआ है अपनी तस्वीर खिंचाएं, दिया जलाएं। काफ़ी दिनों के बाद जो पटना के लोग हैं, देश के लोग हैं, राम मंदिर का इंतज़ार कर रहे थे, उनकी इंतज़ार जो है कल पूरी होने वाली है। ये तो एक लंबी संघर्ष की इतिहास है और इतिहास पूर्ण से सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व में दिवाली मन रही है, ये तो हमसे आप ज़्यादा अच्छे जानते हैं। पूरा विश्व राममय है, इसलिए जय श्री राम। बिल्कुल, तो पूरा विश्व राममय है और आपको आगे की भी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किस तरह जो महिलाएं हैं रंगोली को सजा रही हैं और दीपक जलाया जा रहा है, लगातार जो इलाके के लोग हैं काफ़ी खुशी मना रहे हैं। और आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरह फूलों के रंगोली से जय सियाराम लिखा हुआ है और लगातार जो लोग हैं काफ़ी उत्साही दिख रहे हैं। कुछ महिला हैं उनसे हम बात करते हैं। तो लगातार दिवाली मनाई जा रही है, कुछ यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे? आज दिवाली मनाई जा रही है, दिवाली जी बहुत बहुत खुश नसीब है कि अपनी आँखों से ये दृश्य को देख रहे हैं, बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मान रहे हैं कि राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है कल। हम लोग एक दिन पहले ही दिवाली मना रहे हैं खुशी में, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। आपका वार्ड पूरा जगमगा गया है? पूरा जगमगा गया है, पूरा आस पड़ोस, गली, मोहल्ला, पार्क सब जग जग कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उतने दिनों के बाद राम जी अयोध्या में, 500 बरस का सुन रहे हैं कि इंतजार है, हम लोग तो उतना बरस तो अभी है नहीं, लेकिन बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोग के जीवन में ये दृश्य हो रहा है। अच्छा, कभी उम्मीद थी कि मंदिर जो बनेगा? अभी तो भरोसा नहीं था, सुनते थे कि बनेगा लेकिन इतना जल्दी, मतलब हम लोग देख पाएंगे ये उम्मीद नहीं था, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुश है। तो बिल्कुल, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, काफ़ी लोग जो है दिवाली के रूप में आज के दिन को मना रहे हैं और पूरा जो दृश्य है दिवालीमय हो गया है, भक्तिमय हो गया है। तो लगातार राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के पहले पटना में दिवाली मनाई जा रही है, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अभिषेक कुमार सिंह, पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से।